रूपा जी, नज़र डालें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की ओर, तो देख रहे हैं कि आज यहाँ पे कुछ रिकवरी बनती हुई नज़र आई है। सरसों एक बार फिर से 8600 के ऊपर है, रिफाइंड सोया तेल 1300 के, और देख रहे हैं कि सोयाबीन के अंदर भी 2.5% की तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है, सोयाबीन के अंदर भी रिकवरी आई है। रूपा जी, अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या वीकली क्लोजिंग होते होते सोयाबीन में जो गिरावट थी वो तेज़ी में बदल सकती है? देखिए, ओवरऑल एडिबल पैक जो है तेजी की तरफ ही, और सरसों मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ से सरसों 9000 के पार एक बार फिर से अक्टूबर वायदा जा सकता है, सरसों में बाई किया जा सकता है। सरसों के कंपैरिजन में सोयाबीन में उतनी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार फिर से निचले स्तरों पर रिकवरी जरूर आई है, और आज 2.5% के आसपास बाजारों में तेजी भी है, सर्किट के पास है मार्केट। तो यहाँ पर जो सोयाबीन 6200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है और वहां पर क्लोजिंग आ जाती है, तो क्लेश वापिस से तेजी की तरफ जा सकता है, और ऊपर में 6500 के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आगे आने वाला अक्टूबर मंथ है, उसमें तेजी का दौर जो है सभी एग्री कॉमोडिटीज में देखने को मिल सकता है, स्पेशली तेलों और मसालों के अंदर। तो अभी मुझे लगता है कि तेल आने वाले अगले 15 दिन बाद एक अच्छी रैली पकड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि सोयाबीन भी अगर 6200 के ऊपर सस्टेन होती है, तो ये भी तेजी पकड़ सकती है, जो कि ऊपर में एक बार 6500 तक जा सकती है। तो फिलहाल के लिए निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति लेकर चला जा सकता है।